आप सभी पालकों का स्वागत है। सभी पालक परेशान हो रहे हैं रेंट एग्रीमेंट के लिए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रेंट एग्रीमेंट मुफ्त शिक्षा के अधिकार में किस तरीके से होना चाहिए। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि नॉन रजिस्ट्रार का चलेगा क्या, नोटरी का चलेगा क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको रेंट एग्रीमेंट आपके मकान मालिक को ले जाना है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ आपको इसका खर्चा आएगा 8 से 8,500 रुपये। जो फीस इसकी लगेगी उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री लगेगी और वही जो रेंट एग्रीमेंट वैध माना जाएगा, और आप किसी दलाल के चक्कर में ना रहिए, क्योंकि पिछली बार हमने बोगस रेंट एग्रीमेंट भी पकड़ा है। तो आप बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है आप जाइए, कोई आपके पहचान के वकील से इसको पूछ के आप करवाइएगा और तरीके से आप सब रजिस्ट्रार वाला रेंट एग्रीमेंट बनाएं। नोटरी और साधारण नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया रेंट एग्रीमेंट की जानकारी, और ऐसे ही अब मैं सब अलग अलग वीडियो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट परेशान हो रहे थे, मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक शेयर करने से किसी का भविष्य बन सकता है, और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे शाहिद शरीफ, चेयरमैन आरटी एक्शन कमेटी, और मेरा एक नंबर भी है 8796121213, जिस पे आप व्हाट्सएप पे चैट भी मुझसे कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब याद से करिए और मेरे आगे पीछे के वीडियो देखिए, ताकि आपको और जानकारी आएगी। थैंक यू सो मच।